सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति इस समय मुखर है क्योंकि चुनाव आने वाले 24 चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी का दौर जारी है, होना भी चाहिए। 24 चुनाव महत्वपूर्ण है। जहां बीजेपी यहां पर अपनी हैट्रिक की बात कर रही है, तो भाई विपक्ष कह रहा है कि इस बार विपक्ष लामबंद होकर बीजेपी को हरा देगा। खैर, यहां होगा क्या वो भविष्य के गर्भ में नहीं थे, पर एक बात तो स्पष्ट है कि मेहनत यहां पर बहुत हो रही है, क्योंकि यहां पर कुछ को सबक मिला है तो कुछ को अनुभव मिला है। सबक यहां पर कर्नाटक से बीजेपी को मिला है। बीजेपी यहां पर पूरी जद्दोजहद के साथ रणनीति के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गई है। जनसपक अभियान भी रहेगा, व्यवस्थाएं भी बेहतर रहेंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है यहां पर चर्चाएं भी महत्वपूर्ण रहेंगी, क्योंकि यहां पर रणनीति अगर नहीं बनाएंगे तो उसका लाभ कैसे मिलेगा। और चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और चुनाव में कोई अगर कोर कसर छोड़ी तो उसका खामियाजा आपको अपनी सत्ता गंवा कर चुकाना होगा। बीजेपी जनसंघ अभियान चलाने जा रही है, जनता संवाद करेगी और रैलियां होने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्र में 80 लोकसभा क्षेत्र में यहाँ रैली होगी और जनता के बीच संदेश स्थापित किया जाएगा, संवाद स्थापित किया जाएगा, बताया जाएगा कि हमने पिछले 9 साल के कार्यकाल में क्या किया है। खैर, विपक्ष भी यहाँ पर पूरे मोर्चे के साथ तैयार है और लगातार विपक्ष में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है और प्रयास है कि बीजेपी को इस बार सत्ता की कुर्सी से उठाया जाए, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के ऊपर वो तानाशाही रुक का रवैया अपना रहे हैं, सरकारी एजेंसी को दुरुपयोग का रवैया अपना रहे हैं, और बीजेपी लगातार विपक्ष को तोड़ने का प्रयास कर रही है, परेशान कर रही है, और जनता का जो शोषण है वो भी लगातार बीजेपी सरकार में हो रहा है। ये जो आरोप है वो आरोप है विपक्ष के। खैर, रणनीति महत्वपूर्ण, और रणनीति यहाँ पर एक बार और नजर आ रही है, वो है जातीय जनगणना की, और सबसे महत्वपूर्ण बात है ओबीसी आरक्षण की। निकाय चुनाव के दौरान भी ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम चर्चा हुई, उसके बाद 3-लेयर टेस्ट हुआ और फिर नए आरक्षण के साथ चुनाव कराए गए। जो चुनाव दिसंबर में होने थे वो चुनाव यहाँ पर आखिरी में आके मई में हुए। पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्थिति हमने देखी है वो उसकी छुपी नहीं है। ओबीसी वर्ग के लिए नारा लगाने वाले लोग, ओबीसी वर्ग के लिए बात करने वाले लोग ओबीसी वर्ग को कितना समर्थन देते हैं वो बात भी आप जानते हैं, और फिलहाल ये वर्ग किसके साथ जाएगा इसके लिए लगातार जद्दोजहद जारी है। बिहार में जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसके बाद यहाँ पर सपा MLC और राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगातार जातीय जनगणना की बात करते आ रहा है। उनका कहना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और इसके लिए अब कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से मुखर हो चुकी है, और कांग्रेस पार्टी द्वारा भी आज प्रदेश कार्यालय लखनऊ में एक बैठक की गई, और बैठक के माध्यम से यहाँ पर ओबीसी आरक्षण को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर यहाँ पर एक रोडमैप तैयार किया गया, और कहा गया कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी आने वाले 30-35 दिनों में जिले जिले में अभियान चलाएगी और जनता को इसके लिए समझाएगी ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको लेकर जो एक प्रकार का सरकार ढीला रवैया अपना रही है उसके लिए सजेस्ट करेगी और जातीय जनगणना कराने के लिए सरकार को कहेगी कि बीजेपी जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रही है, ये भी बड़ा प्रश्न है। जातिगत जनगणना इसलिए भी होना, यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कितना वर्ग के साथ कितना परसेंट के साथ इस समय है, क्योंकि जब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा तब तक योजनाएं कैसे बनेगी और लाभ कैसे मिलेगा। और जब इस पर राजनीति शुरू हो गई है तो बयानबाजी शुरू हो गई, और बयानबाजी इस तरह शुरू हुई है कि कोई सपोर्ट कर रहा है तो कोई विरोध कर रहा है। सपोर्ट करने वाले यहाँ पर विपक्ष है और विरोध करने वाला यहाँ सत्ता पक्ष है। फिलहाल कुछ जरूरी बयान सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। निश्चित तौर पर जिसकी जितनी जिम्मेदारी उसकी उतनी भागीदारी आज स्वर्गीय चंद्रजीत यादव जी की पूर्ति थी, और हमारा संकल्प है कि लोगों को न्याय मिले, लोगों को सुरक्षा मिले। कांग्रेस को भी सद्बुद्धि आई कि वो भी जातिवार जनगणना की बात करने के लिए मजबूर हुई। यद्यपि कांग्रेस लगातार 40-42 साल तक सत्ता में रही है, इसे तो उसे बहुत पहले लागू कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। कांग्रेस हमेशा बंटवारे की बात करती रही, कांग्रेस के नेतृत्व में देश बट गया, कांग्रेस जातियों में बांट देना चाहती है भारत को, और 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। सब उन्होंने प्रयोग अपना लिए, जब कोई मुद्दा हाथ नहीं लगा तो अब एक उधार का मुद्दा जिसे समाजवादी पार्टी बहुत दिन से करी थी उसको लेकर मैदान में आ गई। जहाँ तक मेरी जानकारी है,
बिहार में इस तरह का काम शुरू हुआ था, लेकिन वहाँ के उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है। जातियों में लोगों को विभाजन करना ठीक नहीं। इस बार कई दलों की राय थी कि जातीय जनगणना भी करा लिया जाए, ताकि उसके माध्यम से बहुत सारी योजनाएं बनती हैं बिगड़ती हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने इसका समर्थन किया है। बात है यहाँ जरूरी ओबीसी आरक्षण की बात है या जातीय जनगणना की बात है या जनता के मुद्दे की बात है, क्योंकि यहाँ पर रणनीति केवल चुनाव के लिए बन रही है। फिलहाल रणनीति पर आने वाले समय में कितना अमल होगा और जातीय जनगणना की बात यहाँ पर जिस तरह की जा रही है उस पर क्या होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात है ओबीसी आरक्षण की बात करने वाले अपने आप को ओबीसी आरक्षण के कैसे हितैषी अपने आप को साबित करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि चर्चा यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर बात नहीं करेंगे तो यहाँ पर परिणाम कैसे निकलेगा। महत्वपूर्ण चर्चा विषय हमारे मेहमान जी रूबरू करा रूँ, विवेक श्रीवास्तव प्रवक्ता भाजपा से अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे इमरान लतीफ अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से उनके फॉरवर्ड प्रवक्ता प्रदीप तिवारी अपनी बात रखेंगे, दीपा रंजन प्रवक्ता सपा से अपनी बात रखते हैं, और विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पर दिलीप यशवर्धन भाई अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा प्रदीप तिवारी से। प्रदीप भाई, आपके सुख क्या कहें, देर है दुरुस्त है या फिर नई रणनीति? चुनाव के लिए कर्नाटक से मिली संजीवनी और अब वही संजीवनी को यहां पर दुरुस्त करते हुए नई व्यवस्था के साथ ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना की बात कैसे देखते? देखिए, जब बात आती है जाति जनगणना, देखिए जनगणना हमारे यहाँ प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती रहती है, और ये अभी से नहीं हो रहा, पहले से हो रहा है। आजादी के पहले भी जनगणना हुई है जी। और जाति जनगणना को लेकर के अगर बात करें, उसके आंकड़ों को लेकर के बात करें, तो 1931 में जी भी जातिगत जो जनगणना हुई जी, वो उसी के डेटा अभी तक की, वही डेटा अभी तक सार्वजनिक है। और 1941 में जो जातिगत जनगणना हुई उसका डेटा नहीं बाहर आया था। अच्छा अच्छा। आजादी के बाद जातिगत जनगणना जो कराई गई उसका भी डेटा नहीं रहा। तो जो अभी तक की जो सार्वभौमिक डेटा जो उपयोग में रहा, जिसको लेकर के लोग उसका उपयोग करते रहे, वो 1931 का रहा। चाहे वो मंडल कमीशन जब लागू किया गया तो उसमें भी 1931 के जातिगत जो जनगणना हुई थी उसी को लेकर के मंडल कमीशन लागू किया गया था। अच्छा। अब बात करते हैं कि वर्तमान में जातिगत जनगणना या की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि जनगणना तो होनी ही है, तो जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों आन पड़ी? अच्छा। तो जातिगत जनगणना की जरूरत इस वजह से आन पड़ी है क्योंकि देखा जा रहा है। अच्छा। लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से कुछ वर्गों का हक मारने का काम जी सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा। कैसे उनको नुकसान पहुंचाया जाए, आप अगर उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेंगे जी, तो आप देखेंगे कि अभी पूर्व में एक वैकेंसी आई हुई थी 69,000 की, उसमें किस तरीके से ओबीसी के बच्चों का आरक्षण मार दिया गया और लगभग 7,000 बच्चों को नौकरी छीन करके किसी दूसरे वर्ग को दे दी गई। अच्छा। जिसपे इनको ओबीसी आयोग के द्वारा लताड़ लगाई गई, कोर्ट के द्वारा भी उसपे हुआ, फिर ये लगातार उन बच्चों को हक ना देना पड़े। अच्छा। तो उसपे अपील फाइल कर देते हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र लोगों के सामने है। बात तो करेंगे प्रधानमंत्री जी, बता देंगे कि हम ओबीसी जाति से आते हैं, हम इस जाति से आते हैं, अगर हम राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं, प्रत्याशी किसी को बनाया है तो वो इस जाति का है। तो भाई उस जाति के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को लाभ क्यों ना मिले? ठीक। अगर हम जातिगत जनगणना कर लेंगे तो क्या किसी का अहित हो जाएगा? उससे अहित नहीं होगा, बल्कि जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसको जो लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए जो योजनाएं बनती हैं, वो आर्थिक रूप से योजनाओं का फायदा पा सके। प्रदेश सरकार हो या देश की सरकारें हो, लगातार वो योजनाएं बनाती हैं। वो योजनाएं इसीलिए बनाई जाती हैं कि किस वर्ग के लिए किस तरीके से हम उसको फायदा पहुंचा सकें। तो अगर आपके पास में, अब तो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर राज्य सरकारें इस तरीके का कर रही हैं, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ये तो केंद्र सरकार से मांग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उतरना चाहिए और जातिगत जनगणना करवानी चाहिए, जिससे हम खाली बातों में ही ना कह सकें। अच्छा अच्छा। कि हम इस वर्ग के साथ, हम इस वर्ग को लाभ दे देंगे। अच्छा अच्छा। अरे प्रधानमंत्री जी इस वर्ग से आते हैं, मुख्यमंत्री जी इस वर्ग से आते हैं, ये कहने से यहाँ पे अंतिम पायदान पे जो खड़ा व्यक्ति है, जो आज भुखमरी का जीवन जी रहा है, जिसको लाभ नहीं मिल पा रहा, नौकरी से उसको आप वंचित कर दे रहे हैं। अच्छा, अच्छा। तो कम से कम
वो अपना हक तो पा सकेगा भाई, मगर जी आप हकीकत में उसको देना ही नहीं चाहते हैं। तो अच्छा। कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा मुखर होकर के शोषितों वंचितों और उनको हक दिलाने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक संसद तक लगातार भारतीय जनता पार्टी अगर उसका विरोध कर रही है तो उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी लगातार खड़ी नजर आएगी आपको। भाई, और हम जातिगत जनगणना करवाने के बाद लेने वाले हैं। मेरे तीन सवाल हैं, क्या यह अभियान चुनावी है? दूसरी बात, जब आपने बात कही कि राज्य स्तर पर कर सकते हैं तो क्या इस पर कर्नाटक छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कब लागू कराने वाले हैं, कब शुरुआत करने वाले हैं? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने 69,000 भर्ती की बात कही, तो 69,000 भर्ती में जो जिनका आपने कहा ठगी हुई है, तो उनके लिए आखिरी टाइम संघर्ष करने कांग्रेस पार्टी कब सड़क को उतरी थी? तीनों बता दीजिए। देखिए, पहला सवाल आपका ये रहा, क्या ये चुनावी मुद्दा है? बिल्कुल है। देखिए वर्तमान में देखिए वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, अभी वर्तमान में कहीं चुनाव नहीं, चुनाव हो गया। अच्छा। कर्नाटक का चुनाव होना था, चुनाव की बात कर रहा जनता ने नहीं, देखिए 2024 का चुनाव आने में भी एक साल का लगभग समय है। नहीं, एक साल समय बहुत कम है। एक आप मानिए तो लगभग इसी वक्त के समय पे इसके नतीजे आ रहे होंगे, लगभग यही समय हो रहा होगा चुनाव। अच्छा अच्छा, तो मैं आपको बता दूं ये चुनावी नहीं है। अच्छा। ये मुद्दा जो है वो एक शोषित वंचित वर्ग है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा लेकर के आई है। अच्छा, और अच्छा। सरकार, मैं तो इस सरकार से बात कर रहा हूँ, केंद्र की जो सरकार है, लगातार अगर आप बात करते हैं जातियों की, बात आप खुद करते रहते हैं जी। अभी जो हमारे आप जब उनको चुनाव लड़ा रहे थे तब तो बहुत तेजी से उनकी जाति का बखान कर रहे थे, मगर आज संसद में नई संसद का उद्घाटन करवाना है तो उसी उन्हीं हमारी जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति महोदय का आप अपमान कर रहे हैं, उनको उसमें निमंत्रण तक नहीं दिया जा रहा है जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। अच्छा। वो आपकी आपको लोक लुभावनी बातें तो करेंगे। दूसरा सवाल जवाब दे दीजिए, कर्नाटक राजस्थान छत्तीसगढ़ में कब लागू कराएंगे? हाँ देखिए, इसीलिए मीटिंग हो रही है, अधिवेशन हो रहा है। अच्छा। और बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा, जैसे ही वो डेट आएगी आपको पता, जाहिर बात है कि मीडिया से कोई चीज छुपी नहीं रहे। ओबीसी के लिए आखिरी बार संघर्ष कब किया था कांग्रेस ने? ओबीसी के लिए आखिरी बार कांग्रेस भर्ती के लिए, हाँ मैं यही बताने जा रहा हूँ, 69,000 भर्ती के लोग जब संघर्ष कर रहे थे, हाँ, यहाँ आपके लखनऊ में ही, हाँ, लखनऊ में जब इको गार्डन में बैठे हुए थे, हाँ, तो हमारे लखनऊ के जो शहर अध्यक्ष थे, हाँ, और प्रांतीय अध्यक्ष जी, अच्छा, मिलने के लिए उन लोगों से गए थे। अच्छा। और उनकी बातों को हमने लगातार मीडिया के माध्यम से और सड़कों के माध्यम से उतर करके उसको उठाया था, मगर ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुनने वाली है। उन्होंने आज तक ओवर बच्चे लगातार अभी भी कोर्ट में संघर्ष कर रहे हैं। चले, और इनसे मांग करता हूँ, अगर आप ओबीसी के हितैषी हैं तो 69,000 भर्ती के, चलिए ठीक है, वो उनका हक दे दीजिए। आप इसको क्या कहें, कहने गए थे कि संघर्ष करने गए थे, खैर देर आए दुरुस्त आए, कुछ भी कहें। भाई आप लोग तो तानाशाह हो चुके हैं, राष्ट्रपति को बुलाते नहीं उद्घाटन में, 20 दल बायकाट कर दिए हैं आपको, विपक्ष इस माध्यम से लामबंद हो चुका है, 69,000 भर्ती में आप में ओबीसी का आरक्षण को खा गए, बड़ा खराब रवैया है आपका। और प्रदीप तिवारी बहुत नाखुश है और उनका कहना है कांग्रेस अब आपसे आर पार की लड़ाई करने जा रही है, बच नहीं पाएंगे आप। विवेक भाई मुस्कुरा कर लीजिए आप जी। गौरव जी जी, भारत में अंतिम बार जातिगत जनगणना आजादी के पहले जी 1931 तक हुई थी जी। आजाद भारत में जी 2011 में जातिगत जनगणना हुई जी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जी। आज तक आंकड़े तत्कालीन सरकार ने सार्वजनिक नहीं, 11 में हुई थी मुझे पता है जी। 2015 में कर्नाटक में भी हुई थी जी, वर्तमान के सिद्धरमैया जी ही सुखद मुख्यमंत्री थे जी, आज तक वहाँ के भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जी। और जो पिछड़ों की बहुत चिंता कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के मित्र, 1989 में मंडल कमीशन का गठन हुआ था। अच्छा। वो पूरा 11 साल बीत गया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट धूल फाँकती रही। अच्छा। उसको लागू करने का काम विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने किया था। अच्छा। तो जिन्हें पिछड़ों की याद आ रही उनकी याद
अच्छा याद आ गई आज उनको याद मजबूत करने के लिए। आप याद करें, उन्होंने याद करे, दिक्कत है आपको, दर्द है आपको? कोई दिक्कत नहीं, कोई भी याद करे, किसी को याद करे, लेकिन जैसे याद करे तो उन तारीखों को थोड़ा सही से याद कर लेना। अच्छा अच्छा इतिहास बता रहे हैं उनको। अब रही बात जातक जनगणना की, जातक जनगणना से आप सिर्फ समाज में एक विद्वेष करेंगे। अच्छा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की भी इस पर टिप्पणी आ चुकी है। अच्छा, टिप्पणी कि संविधान अच्छा धर्म और जाति का स्थान नहीं है। अच्छा, जनसंख्या तो हो सकती है। अच्छा अच्छा आधार, लेकिन इसके लिए धर्म और जाति का कोई विषय नहीं है। अच्छा, अब आप जातिगत जनगणना कर करके उन आंकड़ों का क्या प्रयोग करेंगे? अच्छा, जिनकी कम होगी अच्छा उनके लिए क्या योजनाओं में आप कोई कमी करेंगे? अच्छा, जिनकी ज्यादा होगी क्या उनको ज्यादा कुछ योजनाओं का लाभ दे देंगे जी, या उनको कम देंगे, या जिनकी कम होगी उनको ज्यादा देंगे? अच्छा, तो इससे सिवाय समाज में एक विद्वेष की खाई पैदा होने अच्छा, के और कुछ नहीं होने वाला। अच्छा अच्छा, और इस आधार पर आप योजनाएं बना भी नहीं सकते। अच्छा, संविधान है, देश संविधान से चलता है। अच्छा बेबे भाई, ये डर विद्वेष का है कि आपकी पार्टी को लग रहा है? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी को डर लग रहा है जातिगत जनगणना कराने में। जनगणना हो जाएगी, सारे वर्ग अलग अलग हो जाएंगे, हमारी व्यवस्थाएं टूट जाएंगी। अगर हमें इसका जो राजनीति हो रही है 80-20 की, इस पर विराम लग जाएगा। जी मेरी बात सुना दीजिए, जिन लोगों ने इस प्रयोग को पहली बार किया डर तो नहीं लगा? अगर उन्हें इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने की हिम्मत होती तो कर देते। भारत के स्तर पे 2011 में जातक जनगणना हुई आजाद भारत में, कर्नाटक में जो अच्छी तरीके से जिसके आधार रहे जी, वो 2015 में हुई। अच्छा, और उन आंकड़ों को तत्कालीन सरकारें सार्वजनिक करने से गुरेज कर गई। अच्छा, तो डर किसके मन में हुआ? अच्छा, जो सरकारें उस समय थी जिन्होंने इसका निर्णय लिया था। अच्छा, सबसे पहला डर तो उनके हृदय में हुआ। अच्छा, और होना भी कारण है उसका। अच्छा ठीक है, जब 1931 में जी जो जातियां थी हिंदुस्तान में जी 4147 थी। अच्छा, 2011 में 46 लाख जातियां ट्रेस हुई। अच्छा, अकेला महाराष्ट्र का उदाहरण है जी, 496 जातियां ओबीसी अन्य सबको मिला करके थी। अच्छा, 2011 में 428,677 जातियां ट्रेस हुई। अच्छा, अब इस धारा में जातियां ढूंढने का और उनकी जनगणना करने का औचित्य क्या है? अच्छा, और उस आधार पर आप लाभ किसको दे पाएंगे? और जिसको नहीं देंगे क्यों नहीं देंगे? क्या संविधान के अनुसार उसके हकों पर कुठारा घात नहीं होगा उसके अधिकारों पे? ये तमाम विषय है। अभी बिहार की अदालत ने इस पर रोक भी लगाई है। तो जनगणना जो भी हो संविधान सम्मत होना चाहिए। अच्छा, इसकी संविधान इजाजत देता हो। अच्छा, और जैसा संविधान। अच्छा, आप ठगी का आरोप लगा रहे, उस पर क्या कहेंगे? 69,000 भर्ती में बोल रहे हैं। देखिए, ये तो कांग्रेस के लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी बोल सकते हैं, तमाम उसमें वो लोग अदालत भी गए, अदालत सुने, कोई उसका पर आपने तो विवेक भाई 69,000 भर्ती का जो मामला है लगातार उठा हुआ है, इसका आप लोग पटाक्षेप कर देना चाहिए। पटाक्षेप हो चुका है, इसे विपक्ष वालों ने तान रखा है। अच्छा, एक सिगुफे के तौर पे। अच्छा, उसका कोई जमीन तो आप कहते हैं कि वो जो छात्र अभ्यर्थी हैं विपक्ष पकड़ पकड़ के लाता है गार्डन में, बुला बुला के लाता है, आइए आइए आइए। जब अगर वो लोग असंतुष्ट हैं तो उसके लिए उनके पास अदालत के दरवाजे खुले थे, वो लोग अदालत गए। अगर उसमें कुछ इस तरह की स्थिति होती तो अदालत उसका संज्ञान लेता, अदालत कार्रवाई कर देती। अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा अच्छा, और अदालत से उन्हें कोई इस पर पारितोष मिला? आपको लगता है वो लाखों हजारों छात्र हैं जो वहाँ पर धरना दे रहे हैं, वो सभी बुद्धिजीवी? लाखों तो विषय ही नहीं है, हजारों मान लें, हजारों भी नहीं, कुछ लोग हैं। अच्छा, जो इस विषय को ताने हुए, कुछ लोग इसको सिगुफा बनाए हुए हैं। अच्छा अच्छा, और न्यायिक सक्रियता का समय है। अच्छा अच्छा, अदालतों के दरवाजे जब आतंकवादियों के लिए रात में 3 बजे खुल जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उनके लिए हमारे तो खुलते रहते हैं, हमारे तो राज्यपाल शपथ भी दिला देते हैं, हमारे व्यवस्था होती रहती है, बाद में लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, ये विषय न्यायपालिका का है, न्यायपालिका और तमाम व्यवस्थाओं का एक ही बात है। न्यायपालिका का विषय है गौरव जी, न्यायपालिका के पास वो लोग गए भी थे जी, और कई बार गए हैं, अगर उन्हें कुछ न्यायपालिका कुछ में ऐसा लगा हो, चलिए ठीक है, तो उनके कुछ फेवर में। आपके मुताबिक कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जानबूझ के प्रोपेगेंडा को लेके आ रही है? नहीं, जाहिर सी बात है, प्रोपेगेंडा ही कर रहे हैं। 2011 में जब इनकी सरकार थी, अच्छा, इन्होंने जातिगत जनगणना कराई तो उसके आंकड़े उस समय इन्होंने सार्वजनिक क्यों नहीं कर दिए? अच्छा ठीक है, ठीक क्यों नहीं किए भाई?
दीपक भाई सरकार थी और 2011 में भारतीय जनता पार्टी, तो 2014 में आई। ठीक है दीपक भाई, पूरे आप 5 साल। बीजेपी कहना है कि यहाँ पर जो मुद्दा है ये कांग्रेस ने आपसे चुरा लिया नहीं, नकल कर ली है। स्वामी प्रसाद मौर्य उस मुद्दे को उठाए थे और तब तमाम बड़ी हायतों पर इस मुद्दे पर। ऐसा है ना कि समाजवादी पार्टी निरंतर जो है जातीय जनगणना की बात पक्ष में रही है, निरंतर जातीय जनगणना की बात सरकारों से कहती रही है जो भी केंद्र में सरकार रही है जी। और अभी हमारे भाई विवेक श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि 2011 के बाद से इसको सार्वजनिक नहीं किया गया। अरे तो 2014 से लेकर के 2023 तक आपकी सरकार, आपको क्या डर था सार्वजनिक करने में? आपने क्यों नहीं सार्वजनिक किया? हकीकत तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जातीय जनगणना से पीछे हट रही है, डरती है, क्योंकि उसको मालूम है कि कहीं ना कहीं उसका वोट बैंक खिसक जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये जिस सभा में जाते हैं, जहां पर भी जाते हैं, ये अलग अलग जाति को अपना बनाने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि जो जाति जनगणना से होगा क्या। अरे जाति जनगणना से सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या, एक्चुअल जनसंख्या क्या है हिंदुस्तान की, वो निकल करके सामने आ जाएगी जी। और अभी हमारे विवेक भाई कह रहे थे कि जिसकी जाति कम होगी, जो कम जाति को होगा कि क्या उसको कम उसको उसका लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है विवेक भाई। जिसकी जनसंख्या कम होगी उसको उतना ज्यादा लाभ देने का काम करेगी सरकार, उसको उतना ज्यादा लाभ देना चाहिए, उसको भी प्रथम पंक्ति से लाकर के जोड़ने का काम होना चाहिए, होना चाहिए, जिससे आप पीछे हट रहे हैं। और हम इसी की मांग करते हैं और हम अपने कांग्रेस पार्टी के लोगों को बधाई देना चाहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि कम से कम देर से ही सही आपको मेरी बात तो समझ में आई। अच्छा, देर से समझ में आई। हम निरंतर ये कहना चाहते हैं कि ये बात करते हैं कि इससे लोगों में द्वेष की भावना होगी, बंटवारा होगा। अरे बंटवारा, बांटने की राजनीति तो आप कर रहे हो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे हो, जाति को धर्म से लड़ा रहे हो, किसी को किसी से लड़ा रहे हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी जात बताने का काम करते हैं और मुख्यमंत्री के साथ साथ वो एक मठ के मठाधीश भी हैं। एक मठाधीश की ना कोई जाति होनी चाहिए, ना कोई धर्म होना चाहिए, और मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, लेकिन सीना चौड़ा करके वो अपनी जाति का नाम लेते हैं और कहते हैं मुझे गर्व है कि मैं जाति का हूं। पूरे हिंदुस्तान और पूरे प्रदेश को लेकर के आप चलेंगे तभी आपका प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी आपका हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और जातीय जनगणना से आखिर ये क्यों डर रहे हैं, क्यों पीछे हटना चाह रहे हैं? ये पुराना आजादी से पहले का इतिहास तो विवेक जी ने बता दिया, लेकिन अपना इतिहास ये नहीं बताने का काम करते हैं कि 9 साल में इन्होंने क्या काम किया। जाति जनगणना तो छोड़ दिया इन्होंने, तो जनगणना कराने का भी काम नहीं किया। ये सही है कि 2021 में 10 वर्ष में जाति जनगणना होती है, 2011 में जनगणना हुई थी, उसका 2021 में कोविड के वजह से, चलिए कोविड 21 निकाल दीजिए, 22-23 दो साल निकल गया, 2 साल में इन्होंने क्या किया जनगणना के लिए? इनकी पार्टी, इनकी सरकार, सामाजिक सद्भाव खराब हो जाएगा, बोलते रहे। कैसे खराब हो जाएगा बताए ना, अभी तक जो है जनगणना होती है तो क्या इससे सामाजिक सद्भाव खत्म होता था? सामाजिक सद्भाव खत्म करने का इन लोगों ने काम किया है, धार्मिक उन्माद फैलाने का ये लोग, राजनीति करने का काम ये लोग करते हैं। अच्छा। ये लोग आपस में लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन देखिए अब उत्तर प्रदेश की और हिंदुस्तान की जनता बहुत सचेत हो चुकी है, अब उनके बहकावे और छलावे में आने वाली नहीं है। जितना झूठ इनको बोलना था पिछले 9 साल में लगातार इन्होंने सिर्फ झूठी झूठ बोला है। अरे मैं तो कहता हूँ कि जाते जाते अभी ये कह रहे हैं ना विवेक भाई और प्रदीप तिवारी जी, 1 साल बचा है। मैं समझता हूँ 1 साल नहीं बचा, मुश्किल से 1-2 महीने बाद चुनावी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। जाते जवाते 2024 में तो देखिए इनको जाना, हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया। अच्छा, मन बना लिया। जाते जवाते ही कम से कम जातीय जनगणना करा करके चाहेंगे। अच्छा अच्छा, एक नजीर पेश करके जाएं इनकी सरकार। अच्छा। जातीय जनगणना से आखिर हट क्यों रही है? हैट्रिक की बात बोल रहे हैं, पर 80-80 जीतने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अरे ये तो पूरे हिंदुस्तान की सारी सीटें जीतने जा रहे हैं। अच्छा, अब की बात जनता इनको जवाब देने जा रही है। अच्छा, जो इन्होंने जनता को 9 साल में परेशान करने का काम किया ना, 2024 में जनता इनसे सूद समेत इनसे बदला लेने जा रही है और इनके बहुत से सांसदों की जमानतें जब्त करेगी अब की बार। ठीक है ठीक है। इमरान भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? इमरान लतीफ आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज मिल रही है जी। इमरान भाई जुड़ जाइए थोड़ी समय बाद। इमरान भाई कैसे देखते हैं इस पूरी व्यवस्था को और आपको बता भी क्या होना चाहिए? यहाँ पर कांग्रेस ने मुद्दा मुखर किया हुआ है और आम आदमी पार्टी क्या रहा है? देखिए चाहे बात कांग्रेस पार्टी की कर लें, चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, इनका जो पुराना इतिहास रहा है वो इस बात की तरफ चीख चीख के गवाही दे रहा है। अच्छा। कि ओबीसी हितों के लिए ये कभी भी खड़े नहीं रहे। अच्छा। और जातीय जनगणना की अगर बात कर लें तो इसके पक्ष में दोनों ही जो बड़ी पार्टियां हैं वो कभी नहीं रही। अच्छा। अब जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी है तो जो पार्टी अपने पिछड़ी जात से आने वाले उप मुख्यमंत्री को अच्छा। राम मंदिर के भूमि पूजन में टेंट वालों के साथ पंडाल में बिठा देती हो, जो अपने मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को स्टूल मंत्री बना देती हो, जो पार्टी
जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा हो और वहां पर देश के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को ना बुलाती हो सिर्फ इस नाते कि वो दलित समुदाय से आते हैं, जब वो नई संसद का उद्घाटन कर रहे हो वहां पर राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाते हैं कि वो आदिवासी वर्ग से आती हैं, तो जिस पार्टी के मन में इतनी कुंठा हो जाति विशेष के लिए, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो जातीय जनगणना करा दे ताकि सबको अपनी अपनी संख्या पता चल जाए, लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, फिर वो भागीदारी मांगने लगे। तो आप कांग्रेस की बात कर लें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, पूछिए ना कांग्रेस पार्टी से क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जातीय जनगणना सार्वजनिक कर दी थी, या अभी तक जब तक कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ करता था भाई कितने ओबीसी को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था जी। इनकी तो प्रचंड बहुमत की सरकार बना करती थी, आगे पीछे कोई दूर दूर तक नहीं रहता था। अगर ओबीसी हित वाली पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, अरे तो एक बार तो कम से कम बना दिया होता ओबीसी को मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बना दिया। आज बता रहे हम केशव प्रसाद मौर्य जी को याद करते हैं जब 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई थी, किस तरीके से उनको जाकर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था, कौन भूल जाएगा उस दिन को। तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनको ओबीसी के से कोई मतलब नहीं। अभी आपने हाल ही में देखा, कई साथियों ने चर्चा भी इस पे करी, 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला आया, अरे डाका डाल दिया भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी जो उम्मीदवार थे उनके ऊपर। अभी आपने नगर निकाय चुनाव की बात करी, देखा किस तरीके से चुनाव टालते रहे ओबीसी आरक्षण को डकारने की नियत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब कोर्ट ने आके मामले में संज्ञान में लिया है, मामला कोर्ट तक पहुंचा है, तब जाके चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जो पार्टी, दोनों ही पार्टियों की मैं बराबर बात कर रहा हूं कि दोनों पार्टियों ने कहीं से भी ओबीसी हित वाला काम नहीं किया है, इनकी अपनी एक सेट पैटर्न रहा है राजनीति का जो ये करते आए हैं। कांग्रेस पार्टी का ये था कि वो जात की राजनीति करते ही नहीं, जात से उनको मतलब नहीं है, आज वो जातीय जनगणना को लेकर सबसे आगे खड़े हैं। तो कुल मिलाकर ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी एक मुद्दा लेकर आई है। आम आदमी पार्टी का जहां तक मानना है कि बिल्कुल जब लोकतंत्र संख्या पर ही चलता है जी। तो निश्चित रूप से तमाम, जो अगर हिंदुस्तान की बात करें तो ये अनेकता में एकता वाला देश है जी। तो निश्चित रूप से सब हम तो एक दूसरे तो जातियों में बटे हैं। हमारी पार्टी यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी वर्ग सबकी बात करती है, सबके यहाँ पर सम्मान की बात करती है और सबकी लड़ना जानती है। नहीं, कि अगर सबकी जाति कौन की संख्या में पता चल जाए, मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, उसमें दलित भी रहते हैं, समर भी रहते हैं, और हमको सबकी संख्या पता है ना, तो उनको मुझसे कोई दिक्कत है ना मुझे उनसे कोई दिक्कत है। तो भाई संख्या अगर गांव वालों को पता है, शहर वालों को पता है, विधानसभा को, लोकसभा को पता है, तो देश भर में उससे कौन सा विद्वेष उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, विद्वेष नहीं उत्पन्न होगा। जो सत्ता हथिया कर आप बैठे हैं, वोट जिसका ले नहीं दे रहे, वो हिस्सेदारी मांगना शुरू कर दे, तो वो सबसे बड़ी डर जो है राजनीतिक पार्टियों को इसी बात की है। और आम आदमी पार्टी को इससे मतलब क्या है, हम तो ये भी नहीं देखते कौन सी जाति कौन सा, हम तो पंजाबियों पीछे कालका जी देते हैं, जनता हमारी पार्टी तो स्वयं पार्टी है, जो जात का मतलब इतनी है। हम तो काम की राजनीति के लिए आए हैं, ईमानदारी की मुद्दों की राजनीति के लिए आए, हम मेरा कहना है आम आदमी पार्टी की नजर में सारी पार्टियां, सारे लोग, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे सामान्य वर्ग से, सब लोग बराबर हैं, सबका सम्मान। नहीं, निश्चित रूप से बिल्कुल बराबर नहीं है। अच्छा, बिल्कुल बराबर नहीं। संविधान ने आरक्षण की जो प्रणाली रखी है, अच्छा, वो सोच समझ कर रखी गई है, उसका पालन किया जाना चाहिए। और हम आरक्षण के पक्ष में हैं, जो कमजोर तबके हैं उनको अच्छे से की जरूरत है, सरकार की। चले, ठीक है, ठीक है, दिलीप बोलेंगे। हो गया मेरा बनाइए, फ्रंट आइए, ठीक है दिलीप भाई। अचानक जातिगत जनगणना की बात हो गई, ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की बात हो गई, अब भले ही कितना बार कही जाए पर मुद्दा तो चुनावी है।
क्योंकि अगर यहाँ पर बात आज ओबीसी वर्ग की हो रही है तो सबको पता है कि ये वर्ग देश में बहुतायत में है। लोकसभा चुनाव 24 है और इसको लेकर अब सभी पार्टी वर्ग के ऊपर अपने आप को निछावर करने की बात कर रही है। दिलीप भाई, दिलीप भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दिलीप भाई का संपर्क टूट गया सर। ठीक है बेबी भाई, जवाब दे दीजिए, तमाम आप पर आरोप लगाए गए। देखिए तानाशाही बोला गया, दीपा रंजन भाई तो काफी कुछ बोल दिया आपके लिए। हम बहुसंख्यक समाज में बिखराव नहीं चाहते। अच्छा अच्छा, जो पार्टियां जातिगत जनगणना दिलीप भाई को जोड़ा जाए जी, वो जातियों की राजनीति करने वाली है और जातिगत बिखराव से उन्हें लाभ की उम्मीद है। अच्छा, हम बहुसंख्यक समाज में बिखराव नहीं चाहते। अच्छा, ये हमारा स्पष्ट मत है। अच्छा, और संविधान के दृष्टिकोण से ये स्पष्ट है जी कि आप जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किसी योजना का प्रादुर्भाव नहीं कर सकते। अच्छा, जो ज़्यादा होंगे उन्हें आप कम लाभ देंगे तो उनका उनकी नाराजगी है। अच्छा, जो कम होंगे उन्हें ज़्यादा देंगे जी, जो जो जिसको जो जो संख्या में ज़्यादा उसकी नाराजगी है। आपके हिसाब से बहुसंख्यक समाज कौन है? बहुसंख्यक समाज यहाँ का हिंदू समाज है। अच्छा, इस समाज से हम आप बांटने पे आ गए भाई। और वो समाज की आप बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज और बहुसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक चैनल में बैठ करके बांटने का काम कर रही, तो आप जातिगत जो आप जातिगत जातिगत जनगणना बहुसंख्यक समाज, बहुसंख्यक समाज से हमारा स्पष्ट मत है। क्यों नहीं करा ले रहे हैं जी आप? तमाम अवसर पे, ये तमाम अवसर पे जातिगत जनगणना हुई, हम नहीं भाग रहे। जिन सरकारों ने जिन सरकारों ने कराया तो आप क्यों नहीं जातिगत जनगणना के पक्ष में? हम नहीं पक्ष में है, क्यों नहीं है पक्ष में? आप कह रहे हैं सर्वाव खराब हो जाएगा, बता दूं जी। आप एक चैनल में बैठ करके बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ऐसे देश चलेगा? बिल्कुल चलेगा, चल रहा है। ऐसे देश चलेगा जिन सरकारों ने कराया, चला रहे हैं लोगों को बेरोजगार करके, महंगाई चरम पे करके। अभी आपके प्रधानमंत्री जी, अभी गौरव जी, अभी इनके प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया से लौट करके आए और आज ऑस्ट्रेलिया ने फरमान जारी कर दिया कि हिंदुस्तान के 5 राज्य जो है उनको वहां पे प्रतिबंधित कर दिया वहां पे जाने के लिए नौजवानों को, क्योंकि उनका कहना है यहाँ पे पढ़ने के लिए लोग आते हैं और यहाँ पे नौकरी के बहाने से यहाँ पे रुक जाते हैं लोग। अभी अभी प्राइम मिनिस्टर जी, अभी प्राइम मिनिस्टर जी कल लौट करके आए और ये क्या लेकर के आए, क्या लेकर के आपके सामने सारी चीजें आए, क्या नहीं आई अलग विषय। और उसके बाद जब इन्होंने देश की महामहिम राष्ट्रपति, देश के प्रथम नागरिक को जब इन्होंने जनगणना राष्ट्रपति का चरण लाने के लिए सरकारों ने, तो इन्होंने क्या कहा था कि एक आदिवासी महिला, एक पिछड़ी जात की महिला, बिल्कुल दिया है। उसके बाद उनको उसके बाद संसद भवन में आप उनको न्योता भी नहीं दे रहे हो, जब शिलान्यास कर रहे हो तो आप उनको न्योता भी नहीं दे रहे हो। अरे संसद भवन आपने किसको समर्पित किया बताइए? संसद आपने किसको समर्पित किया? संसदों को किया? संसद भवन में आम नागरिक जाएगा? पहले रुक जाए, नहीं नहीं आप एक एक करके बात करिए, रुक जाइए रुक जाइए, जवाब देते जाइए। अच्छा आप बताइए, संसद भवन आपने किसको समर्पित किया? संसद भवन तो अभी समर्पित किसी को हुआ ही नहीं है। 28 मई को आप किसको समर्पित करने जा रहे हैं? करने जा रहे हैं ना, आप गलत पूछ रहे हैं। गृह मंत्री जी पूछ रहे हैं, गलत पूछ रहे हैं। किसको समर्पित करेंगे? राष्ट्र को समर्पित होगा, किसको? राष्ट्र को समर्पित होगा, बिल्कुल। आपके आपके बड़े बड़े सिद्ध नेतृत्व कह रहे हैं कि हम सांसदों को समर्पित करने जा रहे हैं जी, बिल्कुल। क्या देश के देश के सांसद, देश के आम नागरिकों को न्योता गया संसद भवन के उद्घाटन का? मजाक वाली बात, मजाक क्या, क्या पूरे देश मजाक का मौसम नहीं, आप ही करो, कर रहे हैं आप ही कर रहे हो क्या, क्या, क्या एक, जब देश की प्रथम देश की प्रथम नागरिक को आप बुला लो ना, हम समझने के पूरा हिंदुस्तान पहुंच गया। देश के प्रथम नागरिक उसको बुला लो, आप बुला लो उनको, आप कौन आप बुला लो? अरे आप हम विपक्ष, हम विपक्ष की भूमिका में, हम विपक्ष की भूमिका, आप बुलाओ, हम आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं बुलाया उनको? आप देश का विषय है, अरे चले संवैधानिक, आपके प्रधानमंत्री जी काम से बड़ा अपना नाम करना चाहते हैं, उनको ये कह रहे नाम भी बड़ा है, काम कहाँ बड़ा है? उन्होंने जनता की समस्या, जनता के लिए क्या समर्पित किया? जनता के लिए कौन सा उन्होंने
अस्पताल बना दिया, कौन सा विद्यालय बना दिया, कौन सा 9 साल में कारखाना लगा दिया, कौन सा रोजगार दे दिया। भड़ास निकालनी है, भड़ास तो अभी जनता निकालेगी, निकालते रहिए भड़ास तो जनता निकाले। और हम भी अपने आपको, हम भी आम जनता की हैसियत से बात कर रहे हैं। आप बता दो, नगर निकाय चुनाव आपको हैसियत जनता ने बता दिया। अरे वो किस तरीके से, आपको ही पता है, ये आपका आरोप है। किस तरीके से लूट कर ये आपका आरोप है। आपकी वोट पर दिलीप भाई पूछ रहा, सवाल कर रहा हूँ मैं कि आपने देश के प्रधान नागरिक को क्यों नहीं बुलाया। एक मिनट मेरी बात आ जाती, जनगणना बात हो रही है और ये नगर निकाय की बात कर रहे हैं। नगर निकाय के महापौर में आपने जो है आरक्षण की, आपने प्रणाली लागू की जी। 17 नगर निगमों में से 10 आपने सामान्य को दे दिया जी, 27 हमने नहीं दिया। अरे ये ट्रिपल टी के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट के आधार पर लागू हुआ। गलत हो वो आप तो करने वाले और जो कुछ ना हो आपका है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जाति जनगणना होनी चाहिए, होनी चाहिए। ओबीसी, आप ओबीसी एससी आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं, ये आपका आरोप है। ये आपका आरोप क्या दिख रहा है? चले हो गया, दिख रहा किस तरीके से आप खत्म कर आपने समाप्त किया है, प्रमोशन में आपने समाप्त किया है, किसने आपने समाप्त किया है, कब समाप्त किया आप बताओ। सरकार के आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, आप आंकड़े उठा के देख बैठे करो, आप गलत बात आपसे कहीं और हो गया। हम क्यों जाति जनगणना क्यों नहीं, मुझे सबकी राजनीति पता है। जी खराब मत करिए प्लीज, खराब कर रहे हैं। बाकी लोग बात कहीं लेके आ रहे हैं, हमने पूछ लिया, गौरव भाई मैंने हो गया, जाति जनगणना आप कराएंगे कि नहीं? आप जाति जनगणना कराएंगे कि नहीं? गौरव जी, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ बड़े अदब और सम्मान से कि आप जाति जनगणना कराने के पक्ष में हैं कि नहीं? हम बता तो रहे हैं, पक्ष में हैं। आप नहीं कराएंगे? ठीक है, नहीं कराएंगे। आप बोलिए, आप भाग रहे हैं इसे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा, इसीलिए आप भाग रहे हैं। आप इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार जाती हुई दिख रही है, आपकी सरकार जाती हुई दिख रही है। आपने कुल्हाड़ी चलाई, आपकी सरकार कोई कुल्हाड़ी हमने नहीं आरक्षण की बात कर, कोई कुल्हाड़ी हमने नहीं चलाई, खूब चलाई, कोई कुल्हाड़ी हमने नहीं चलाई। दिलीप जी बैठे हैं, गौरव जी बैठे हैं, कोई हां दिलीप जी बोल रहे हैं, दिलीप जी को तब तक बोलेंगे। हो गया, मेरे विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक भाई, दीपरंजन जी हो गया, आपको बड़ी जानकारी तो हम पर, दीपरंजन भाई, विवेक भाई हो गया, बहुत हो गया, ठीक है। दिलीप भाई, दिलीप वर्धन जी, अपनी बात करिए, सुनिए आप बिजनेस तक बोलेंगे, ठीक है हो गया, हो गया, आप बिजनेस तक बोलेंगे, अगर आप लोग ऐसे करोगे मैं बता दीजिएगा। ओबीसी वर्ग के लिए कितना संघर्ष किया मुझे पता है। विवेक श्रीवास्तव जी, दीपक रंजन जी, हो गया, दोनों की बटन की जाए, हर आरक्षण की बात होगी, आप अब आरक्षण से भाग रहे हैं, तो जाति जनगणना की आरक्षण पे भी आप बात करते हो, भाग रहे हैं जाति जनगणना, तो भाग रहे हैं आरक्षण की, जाति जनगणना की बात आप क्यों नहीं कर रहे? कह रहे बहुत सख्त सवाल, क्यों नहीं कर रहे? कहां कर रहे हैं आप जाति जनगणना? कर रहे हैं भाई, चले ठीक है, हो गया, नहीं कर रहे आपकी बात। दीपा भाई हो गया, दीपा भाई हो गया, दिलीप भाई अपना मैसेज कर दीजिए भाई, सब सुन लिया आपने जी। दिलीप भाई, दिलीप भाई आपको फिर मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी दिलीप जी, बोलिए दिलीप भाई, बोलिए बोलिए दिलीप भाई जी। भाई यही मुद्दा है, उस पर बीजेपी और प्रवक्ता सपा के बीच यहाँ पर घमासान हो रहा है। उनका कहना है कि आप इस मुद्दे से पीछे हट रहे हैं। बीजेपी कहना है कि आज सामाजिक सद्भाव खराब हो सकता है, इसीलिए हम जाति की जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस पार्टी शुरुआत की है और आम आदमी पार्टी फिलहाल उसको सपोर्ट करती नजर आ रही है जी। यह पूरा मूल्यांकन और अब इसमें क्या आपकी राय है जी? जी गौरव भाई, एक फैक्ट है जी, फैक्ट ये है कि जो भी केंद्रीय सरकार है जी, या जो पार्टी केंद्रीय सत्ता में बैठी है, वो कभी नहीं चाहे जाति जनगणना हो जी। और जो पार्टी
स्टेट की सरकार में है वो चाहेगी कि जाति जनगणना हो, स्पेशली जो रीजनल पार्टी है बिल्कुल वो चाहती है कि जाति जनगणना हो जी। और अभी बिहार ने शुरू किया था पर केंद्र सरकार ने रोक लगाई, केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। वो रोक लगाने का आधार ये नहीं है कि वो जाति जनगणना क्यों करा रहे जी, उसका रोक आधार ये है कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 246 है जी, उसमें ये बताया गया है कि किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को होगा, किस किसका क्षेत्र अधिकार होगा किस क्षेत्र का जी। उसमें शेड्यूल 7 में पहली लिस्ट दी है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र होगा जी। और सीरियल नंबर 69 पे लिखा है सेंसस यानी कि जनगणना जो है वो केंद्र सरकार का डोमेन है, राज्य सरकार का डोमेन नहीं। जनगणना की बात जब भी आएगी उसपे क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार का होगा, राज्य सरकार का कभी नहीं होगा, अनटिल अनलेस राज्य सरकारें इससे लेकर के कोई कानून ना पारित करें। यही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने दी है और जुलाई के इन्वेस्ट किया इस मामले को सुनने। और जो हमारा सेंसस एक्ट है 1948 में बनाया गया वो भी केंद्र सरकार का है, वो राज्य सरकार का जी। अब जो तो राज्य सरकारें या जो छोटी पार्टियां रीजनल पार्टी होती है वो जातीय जनगणना पर जोर इसलिए देती है कि उनका जो आधार होता है वो जातिगत ही जी, वो क्षेत्र में एक जाति विशेष को लेकर के या चंद जातियों को लेकर के या पिछड़ी जातियों को लेकर के जातिगत और रिजर्वेशन को लेकर के ही उनकी जो राजनीति है वो आगे बढ़ती है, आगे बढ़ी उसी लिए वो सत्ता में आई है। तो उन बातों को सपोर्ट करने के लिए जाति जनगणना पे जोर होता है। अगर आप सामाजिक रूप से देखें तो मैं नहीं कहता हूं कि जाति जनगणना की कहीं कोई जरूरत है, हालांकि जाति की राजनीति सब करते हैं। भाजपा यहाँ बैठ करके मना कर रही है कि हमें जाति से कोई लेना देना नहीं, हम जाति की बात नहीं करते हैं, सब जाति की बात करते हैं। इनके भी ओबीसी मोर्चा बना है, पिछड़ा वर्ग बना है, ये वर्ग बना है, वो वर्ग बना है, सारे वर्ग बने और सारे वर्ग के प्रकोष्ठ बने और सारे प्रकोष्ठों के सम्मेलन जी। और वही जाति के आधार पर टिकट बांटे जाते हैं जी। लेकिन ऑन द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि हमें जाति से कोई मतलब नहीं, और ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसको जाति से मतलब नहीं। इस देश की राजनीति जाति की रीढ़ की हड्डी हुई है और वो रीढ़ को तोड़ने का काम हमेशा क्षेत्रीय पार्टियां करती है, क्योंकि जातियों के बारे विषय में अगर पता चल जाएगा तो उन जातियों के नेता प्रकट जी। वो नेता अपनी जाति का प्रतिनिधित्व करेंगे और ये तर्क देंगे कि हम अपनी जाति को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ देंगे जो पिछले 75 सालों से चला आ रहा है और जो जो इस देश का दीमक है रिजर्वेशन उसका भी आधार यही। तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है। और मैं एक चीज और बता दूं, जाति जनगणना होगी तो बहुत सारा राजनीतिक समीकरण बिगड़ जाएगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि ये जनगणना हो। और क्षेत्रीय पार्टियां चाहती है कि जनगणना हो। केंद्र सरकार में जब कांग्रेस बैठी हुई थी तो कांग्रेस ने भी जाति जनगणना कराने से मना किया, इसने अब शुरू किया कि जाति जनगणना होनी चाहिए जी। क्योंकि अब इनको लग रहा है कि अब हम केंद्र की राजनीति से हट चुके हैं। अच्छा। अब हम हिमाचल में आ गए, अब हम कर्नाटका में आ गए। अच्छा। अब हम राजस्थान के रण में आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में और आजमाएंगे। तो अब इन जाति के आधार पर ही अपने आप को उठाएंगे, क्योंकि केंद्र से इनका इनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो गया है। हाँ। तो फिर ये जाति के आधार पर अपने भागों को केंद्र के स्तर तक लेकर के जाएं। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक लाभ की आधार है जाति जनगणना की मांग का, सामाजिक और कानूनी आधार कोई नहीं। ठीक है, पर यहाँ पर जानकारी मुताबिक कांग्रेस ने 2011 में करवाई थी पर शायद उसके जो आंकड़े थे लेकिन बाहर नहीं किया था क्योंकि उनको नुकसान हो रहा जी, नुकसान हुआ। मैंने गौरव भाई कहा ना कि केंद्र की राजनीति में जो भी होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि जाति जनगणना हो क्योंकि उसको नुकसान होगा और रीजनल पार्टीज को फायदा होगा। ठीक है, प्रदीप तिवारी कुछ बोल रहे थे आप जी। जिस तरीके से विवेक जी ने बातें रखी जी और भी इको करना था जी, ठीक किया जाए जी। तो विवेक जी ने अभी पहले बात रखी कि 69,000 भर्ती की बात रख रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, कोर्ट चले जाते, कोर्ट के दरवाजे खुले। भाई आपको पता ही नहीं रहता, कोर्ट ने अभी 2023 में ऑर्डर किया है और 3 महीने का समय दिया है जी। सरकार को आपकी सरकार को समय दिया है कि नई सूची बनाए और पुराना जो आपने 2022 में डेट तक सूची बनाई थी उसको रद्द कर दिया है। नई सूची बनाने के लिए आपसे कहा है और 3 महीने के अंदर कहा बना करके उसको पेश कर जी। तो ये वहां से कोर्ट से ऑर्डर उनको रिलीफ मिली है। दूसरी जो आपका जो आयोग बना रखा है, आपने राष्ट्रीय आयोग बना रखा है इसके लिए, पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, उन्होंने भी बताया कि जो जांच करी और जांच में पाया कि 69,000 भर्ती जो आई थी उसमें ओबीसी के साथ साथ एससी एसटी के बच्चों के आरक्षण की भी चोरी की गई है। ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिलना था उसको सिर्फ 3.8% आरक्षण दिया गया।
तो पहले तो आप डेटा अपना चेक कर लीजिए और उसको सही करिए कि आपको उसका पूरा संज्ञान नहीं है, पता नहीं इनको है? विवेक भाई अधूरी तैयारी से बैठ जाते हैं उसको डेटा में, नहीं डेटा में कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है। दूसरी चीजें ये कि अभी विवेक जी बता रहे थे कि अगर जनगणना हुई तो किसकी ज्यादा संख्या है उसको क्या दे देंगे, कम है भाई। जनगणना में ज्यादा कम संख्या की बात के अलावा और भी कॉलम होते हैं, उसमें ये देखा जनगणना जातिगत जनगणना की जो बात चल रही है वो इसलिए चल रही है कि उसमें देखा जाएगा अगर कोई ओबीसी वर्ग का व्यक्ति है और उसकी संख्या मान लीजिए ज्यादा आती है और उस ज्यादा संख्या में भी ये देखा जाता है कि क्या वो उस वर्ग का व्यक्ति ऐसा तो नहीं लाभ पाने से वंचित रह गया है, उसकी कंडीशन आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। बिल्कुल ये देखना है, ये नहीं देखना है डेटा की किसी सामान्य जाति का व्यक्ति जो है उसकी संख्या कितनी है, एससी की संख्या कितनी है और ओबीसी की संख्या कितनी है। सिर्फ संख्या संख्या का आंकड़ा जुटाना ही उसका उद्देश्य नहीं होता है। उसका बोलना विवेक श्रीवास्तव, देखिए मैं बीच में टोका टिप्पणी नहीं कर रहा था क्योंकि लास्ट टाइम विवेक जी से मेरी मैं विवेक जी से फिर से निवेदन कर रहा हूं कि मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप पूरी बातें सुन लीजिए, पूरी बातें सुन लीजिए, फिर आप अपना सुन लीजिए फिर मौका दीजिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जातिगत जनगणना जब होती है तो सिर्फ संख्या नहीं दिखाई जाती है, सिर्फ संख्या के साथ साथ में हमको ये भी देखना है कि किस वर्ग का व्यक्ति जिसको वो लाभ मिलना चाहिए था वंचित रह गया, उसमें सरकार की नाकामी की वजह से वो वंचित रह गया। अगर तो हम उसको लाभ देना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि आज भी वो ओबीसी का व्यक्ति उसी जगह खड़ा रहे। अगर संविधान ने उसको आरक्षण प्रदान किया है तो उसको उस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, मगर आप इसके पक्षधर नजर नहीं आते किसी भी तरीके से। दूसरा मैं एक और बात का जवाब देना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र कह रहे थे कि नहीं हम जातियों की बात नहीं करते हैं। भाई आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तो सबसे पहले 2014 में अपनी जात बता देते हैं। मैं तो इस समाज से आता हूँ तो आप बात करते हैं, आप जाति की बात तो मुख्यमंत्री जी आपके खुद करते हैं तो और आप यहाँ पे बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, ये कौन सी प्रदीप तिवारी, प्रदीप भाई विवेक से कुछ पूछा जा रहा है आपसे, बोलिए प्रदीप। बिल्कुल जरूर, 2011 में आपकी पार्टी की सरकार केंद्र में थी जी, जातिगत जनगणना हुई 2011 से 2014 तक आपकी सरकार रही, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कमोबेश 3 साल आपको पूरा समय मिला। आपने उन आंकड़ों का क्या किया और सार्वजनिक करने से आपको किसने रोका था? इटली से फोन आ गया था या चाइना एम्बेसी से निर्देश नहीं मिला था? क्या दिक्कत थी? इटली रुक जाए और आप जात सुन लीजिए केजरीवाल को जात बताने का आरोपी बता रहे हैं। आपके तो युवराज गोत्र तक बताते फिरे हैं, भले फर्जी बताया हो लेकिन बताया तो ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है फर्जी, ये कौन सी बात है फर्जी गोत्र वाली, ये कौन सी बात है? तो ये सारी चीजें चर्चा का विषय नहीं। आप ये बता दें कि जातीय जनगणना जब आपने कराई थी उन आंकड़ों का आपने क्या किया जी, यही बता दीजिए देश को। बताइए प्रदीप भाई, बता दीजिए देखिए जी, मैं हवाई बातें नहीं करता विवेक जी की तरह बैठ करके कि हवाई बातें करने लगे, इसने ये बता दिया उसने गोत्र बता दिया। अरे आप जनता को लाभ पहुंचाने के लिए जो योजनाएं आ रही हैं उस पे बात नहीं करेंगे? भाई आप बताएं 2011 में जात के जनगणना आपने कराई थी कि नहीं कराई थी? हाँ या ना बता दीजिए, कराई थी कि नहीं कराई थी? प्रदीप जी विनम्रता से पूछ रहा हूँ, कराई थी तो आंकड़ों का आपने क्या किया? उस आंकड़ों के आधार पर देश को आपने कौन सी योजना दी 3 सालों में? देखिए आप सीखेंगे अपने प्रधानमंत्री से ही, अपने मन की बात करेंगे, दूसरे के सुनने की आपके अंदर क्षमता नहीं है, वो भी अपने मन की बात करते हैं। आपने जाते जनगणना करा दी 2011 में, उस आंकड़ों पर आपने कौन सी योजना देश को दिया? ऐसी कौन सी योजना बना दी कि 2014 में आपका बोरिया मिस्त्र बन गया? अच्छा, 3 साल में प्रदीप जी जातीय जनगणना के आधार पर आप ऐसी कौन सी योजना ले आए? ये तो सुना करिए, आपका बोरिया मिस्त्र बन गया, सुना करिए, सुनते क्यों नहीं आप? हम सुन रहे हैं, खुद सुन रहे हैं, 2000 हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। 2011 में प्रदीप जी आपने जातीय जनगणना कराई, ठीक है, खूब कराई, सुननी नहीं है उसके आंकड़े आपके पास से, आपने ऐसी कौन सी योजना देश को दे दी? देश की जनता ने आपने बोलिया मिस्त्र बांध दिया, सुनना सीखिए, अरे आप सुनना चाहते हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं मेरी बातों का। आप हमें बताए ना 2011 में
अच्छा प्रदीप जी 2011 में आपने कौन सी योजना चलाई थी? 2011 में 69,000 की ओबीसी का आरक्षण चोरी हो गया था। 2011 में अरे आप तो आरक्षण की बात ना करें, 11 साल रिपोर्ट धूल फाकी है आपके कार्यकाल में, 11 साल मंडल कमीशन की रिपोर्ट धूल फाकती रही कांग्रेस के शासनकाल में। आप क्या मंडल कमीशन की बात करते हैं? 11 साल मंडल कमीशन ठीक है, ठीक है, हो गया। आप हमें ये बता दें 2011 तिवारी कुछ पूछ रहे हैं आपसे जी 2011 में देश को ऐसी कौन सी योजना आपने दे दिया जातिगत जनगणना के आधार पे? 2011 में आपका बता दीजिए, हम आगे उससे सावधान रहेंगे। बता दीजिए, आप सीखिए, सुनना नहीं है, आप तो सुनना नहीं है, मन की बात करते रहना है। पूछ रहे हैं, आप बताना नहीं चाह रहे हैं, तो आपके ज्ञान का लाभ लेना चाह रहे हैं। अच्छा 2011 में आपने जातिगत जनगणना कराई, 2014 में आपका बोरिया बिस्तर बन गया, यही मई के महीने मधाता बोरिया बिस्तर। मैं आपके साथ में बैठ करके ठीक है, हो गया चलिए, ठीक है, हो गया विवेक सर, डीप रंजन बोलेंगे, ठीक है, विवेक भाई हो गया, डीप रंजन बोलेंगे। आप बोरिया की बात करेंगे, जातिगत जनगणना कराई, उसके अनुभव को आप देश से साझा नहीं करना चाहते? विवेक भाई भूल गया गौरव जी से पूछना कि कौन बैठा है भारतीय जनता। अच्छा ठीक है सबको अपनी बात रखेंगे, कराई डीप रंजन बोलेंगे, विवेक सर हो गया, प्रदीप जी 2024 में इसी महीने इनका बोरिया बिस्तर बनने वाला है, उस बात को देखने में कोई रोक पा रही, अब देखिए अपने देखते रहिए, देखिए आप जब तक बोले आप 2011 बारे बोलिए, देखिए आपको जनता है, बारी बारी हम तो खराब मत करिए समाज। विवेक श्रीवास्तव भाई प्लीज, समर्थन में नहीं है इनके पास, विवेक भाई बात पूरी होने दीजिए। और विवेक जी ये बताइए, आपने सम्मानित चैनल पे कह दिया कि आप जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, ना ही आपकी मनसा है, ठीक, इनकी मनसा समझ में आ गई जी, लेकिन हम लोग जातीय जनगणना के पक्ष में भी, हमारे भाई, हमारे दोस्त दिलीप यशवर्धन जी ने कहा कि रीजनल पार्टी के जो है उसमें रीजनल पार्टीज को लाभ हो रहा है। लेकिन दिलीप भाई जी, रीजनल पार्टी के साथ साथ आज नेशनल पार्टी ने भी हमको समझा, हमको जाना और इस चीज को परखा कि जातीय जनगणना की हिंदुस्तान में आवश्यकता है। और मैं आपके सम्मानित चैनल पर बड़े बेबाकी से गौरव भाई ये बात कहना चाहता हूँ कि केंद्र का सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है और सिवाय बिना समाजवादी पार्टी के जो विपक्ष की सरकार, अब ये भाई हंस रहे हैं 24 में फिर हंसेंगे बुरी तरीके से ये जी। अच्छा। तो सरकार जो है बिना समाजवादी पार्टी के नहीं बनने वाली, और केंद्र में जब समाजवादी पार्टी के सहयोग से सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र से सफाया होगा, अच्छा, तो निश्चित रूप से आपके चैनल पे मैं बेबाकी के साथ कह सकता हूँ उसी दिन हम लोग जातीय जनगणना की हम लोग न्यू रखने का काम करें। ठीक है दिलीप भाई, जवाब दे दीजिए, दीपक भाई कुछ पूछ रहे थे आपसे। दीपक भाई ने ठीक कहा, क्या राष्ट्रीय पार्टी ने भी स्वतंत्र पार्टी की बात समझा है, लेकिन समझने वाली बात यह है जी कि कांग्रेस ने समझा है, देखो केंद्र की सत्ता में नहीं है जी, जब केंद्र की सत्ता में थी तो उसने जातीय जनगणना कराने से मना कर जी। और आपकी दीपक भाई ये बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली तक जाता है जी। और उत्तर प्रदेश के रास्ते में समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी खड़ी है, बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के केंद्र की सत्ता थोड़ी मुश्किल जरूर हो जाएगी, स्पेशली उत्तर प्रदेश की अगर बात कर जाए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं है भाजपा को या किसी और पार्टी को टक्कर। लेकिन एक सत्य ये भी है कि सिर्फ
उत्तर प्रदेश ही ऐसा क्षेत्र राज्य नहीं है जो केंद्र की सत्ता में पूरी भागीदारी दिखा। यहाँ जितनी सीटें हैं उन सीटों का अगर आप परसेंटेज निकालने के टोटल सीट्स के तो वो सत्ता बनाने और बिगाड़ने में तो आते हैं। ये जरूर कहूंगा कि सत्ता बिगाड़ने में उत्तर प्रदेश की सीटों की भागीदारी पूरी है लेकिन सत्ता बनाने में नहीं हो सकता। सत्ता बनाने में और लेकिन आपका एक महत्वपूर्ण रोल जरूर है इस बात से कोई दो राय जी। ठीक है प्रदीप भाई कुछ बोल रहे थे कमेंट दे दीजिए फिर बात लूंगा जी। जी मैं देखिए मैं पहले कह रहा था कि देखिए विवेक जी से तो मैं जब भी मैं डिबेट पे बैठूं तो विवेक जी से बड़ी विनम्रता के साथ चाहता हूं कि चर्चा को देखिए ऐसी चर्चा होनी चाहिए कि कम से कम जो बैठ करके प्राइम टीवी को अगर कोई देख रहा है तो उसको कुछ समझ में आए जी। कि आपको जो बात कहनी मैं आपके बीच में टीका टिप्पणी नहीं कर रहा जी। आप कम से कम जो आप प्रधानमंत्री जी की ना सीखिए। प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री जी है वो अपने मन की बात कर लेते हैं और दूसरे की सुनना नहीं चाहते हैं। अच्छा। आप भी चैनल पे बैठ करके वही चीजें करते हैं जो मेरे मन में आएगा मैं सुनूंगा दूसरे प्रवक्ता की बात करने नहीं दूंगा। अच्छा। करना वो अगर कोई बात कहना चाहेगा तो इतना शोर मचाऊंगा कि वो अपनी बात ही ना कह पाए तो इस तरीके से सार्थक चर्चा नहीं हो सकती है। देखिए और दूसरी पार्टी ने लोकसभा में देश के रक्षा मंत्री को बोलने नहीं दिया आप मुझे लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। शुरू हो गए। अरे भाई आप संसद में लोगों के माइक बंद कराने वाले इमरजेंसी माइक बंद करा देते भाई की बात आप माइक बंद करा देते महंगाई की बात करेगा महिला तो ये वहाँ भी ठीक है हो गया सुनेंगे नहीं ना महंगाई पे सुनेंगे ना बेरोजगारी पे सुनेंगे ठीक है ठीक है किसी की सुनने वाले नहीं है। ठीक है आप सभी का इसका ठीक है हो गया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बड़ी पूरी चर्चा थी यहाँ पर जातिगत जनगणना की जिसकी यहाँ पर मांग अब कांग्रेस पार्टी एक अभियान चला के करने जा रही है। अभियान चलाया जाएगा 30-35 दिन अभियान चलेगा और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए और जातिगत जनगणना कराने के लिए अभियान की शुरुआत होने वाली है। कांग्रेस पार्टी एक नई नीति के साथ यहाँ आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में इस मांग पर क्या विचार होगा क्या जातिगत जनगणना होगी या नहीं होगी ये फिलहाल अभी स्थिर नहीं है क्योंकि यहाँ पर अगर राज्य बार भी जनगणना कराई जाती है तब भी कुछ यहाँ पर माहौल बनता नजर आएगा। आने वाले समय में स्थिति क्या बनेगी कौन इस वर्ग की बात करेगा और कौन जातिगत जनगणना पर यहाँ पर संग्राम करेगा संघर्ष करेगा ये स्पष्ट नहीं है। पर फिलहाल इस वर्ग को लेकर इस व्यवस्था को लेकर इस बात को लेकर कि ओबीसी वर्ग क्या मितैषी है सभी अपनी अपनी यहाँ पर ताल थाप रहे हैं। पर इस वर्ग का हितैषी कौन है शायद वर्ग जानता होगा या जनता जानती है या हम जैसे खबरन भी जानते हैं। जब इस वर्ग का दर्द होता है तो कोई यहाँ पर दर्द का इलाज करने नहीं आता है। जब कोई बात होती है कोई समस्या होती है तो कोई सहानुभूति देने नहीं आता है। हाँ वोट के लिए यहाँ सब आते हैं क्योंकि यहाँ पर जनता के लिए भले ही कुछ ना हो पर पार्टियों के लिए केवल चुनाव महत्वपूर्ण है। इसलिए इस आरक्षण की बात को लेकर जनगणना की बात को लेकर अलग कर दें तो कुछ जनता की बात कर लें। अगर जनता की बात करेंगे मुद्दों की बात करेंगे जनता की समस्याओं की निदान की बात करेंगे तो शायद यहाँ बेहतर संदेश जाएगा। बाकी व्यवस्थाएं चलती रहती है जनगणना पहले भी हुई थी आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं हुए जनता भी जानती है और शायद पार्टियां भी जानती हैं। आने वाले समय में अगर कुछ संघर्ष जनता के मुद्दों के लिए हो जाएगा तो शायद बेहतर विकास की धारा यहाँ बह सकेगी वरना जो परंपरा चल रही है लोकतंत्र की कि केवल राजनीति राजनीति और राजनीति बस यही करो जनता जनार्दन वोट देने के लिए है निराकरण के लिए नहीं समस्याओं के निस्तारण के लिए नहीं सहूलियत के लिए नहीं। तो आज की चर्चा में इतना ही नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार।